कुछ बातें बोलते हैं कि पत्थर में एक कमी है कि पत्थर में एक कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं है। इसलिए आप पत्थर की तरह बनिए, कोशिश कीजिए कि किसी के प्रति जो है लगाव आस्था विश्वास को बनाए रखें। यदि आप उम्मीद करके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो पत्थर की भांति आप विश्वास कीजिए, कभी बदलिए मत, इन्हें कि आज पढ़ लिए कल छोड़ दिए अगला दिन पढ़े, क्योंकि ज़िंदगी का दौर बहुत कठिनाइयों से गुजरता है, विभिन्न परिस्थितियों से गुजरता है, कभी उतार चढ़ाव होते रहता है, इसलिए आप अपना हौसला को बनाए रखिए। चलिए आते हैं, अब हम लोग क्लास देखते हैं, प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VIP क्वेश्चन जो है, VVI क्वेश्चन जो हर हाल परीक्षा में पूछा जाता है, आज हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव का जो क्लास। अब ओनली क्लास, नो बकवास, चलिए आइए। अब देखिए, हम चैप्टर पढ़ा दिए प्रकाश का परावर्तन का, जो इसके पहले जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो नए नए हैं, इससे पीछे का वीडियो जो है पहले जो पढ़ा दिए उसको देख सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाके, प्रेम श्रद्धा आइडियलाइज, उसमें सर्च कीजिएगा, उसमें सारा बात आ जाएगा, पीछे का वीडियो देखिएगा। जब लघुतरीय जैसा जो थ्योरम समझाएं वो सब समझ जाइएगा तो ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके बारे में। तो हमारा जो प्रकाश का परावर्तन सब समझ चुके, अब डायरेक्ट आएंगे मुद्दा पर। पहला चैप्टर का जो है नाम ही है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन चैप्टर का नाम है। इसमें से पहला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन कहता है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश गमन करती है, प्रकाश जो है गमन करती है। तो प्रकाश हम बताए थे प्रकाश गमन करती है, तो किस रेखा में? सीधी या सरल रेखा में? तो ऑप्शन देखते हैं, पहला लिखा हुआ है सीधी रेखा में, दूसरा है तिरछी रेखा में, तीसरा समांतर रेखा में, अगला इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए, हमारा जो प्रकाश गमन करती है किस रेखा में? सीधी रेखा में। चलिए आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है, दूसरा क्वेश्चन है, हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? इसमें विदाउट ऑप्शन दिए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट कमेंट या तो ऐसे भी सोचिए। तो जो हम बताए थे हवा या निर्वात में, हवा हो या निर्वात हो उसमें प्रकाश की जो चाल होती है कितनी होती है? 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। इसी को कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को भाषा चेंज करके परीक्षा में कभी कभी दे देगा कि जो है हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, तो बताएंगे 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, और इसी को भाषा बदलेगा तो क्या बोलेगा? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कहता है, तीसरा क्वेश्चन है कि किस दर्पण में, ध्यान से समझिएगा, कहता है किस दर्पण में, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा बनने के लिए हम बताए थे सम दर्पण 3 प्रकार के, एक हो गया गोलीय दर्पण, 2 प्रकार के उत्तल और अवतल, और एक है अन्य दर्पण समतल। तो इसमें से कहता है कौन सा दर्पण है जिसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए हम बताए थे कि हमारा यदि ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण ध्रुव P या फोकस बिंदु F के बीच जब वस्तु को रखते हैं तो इसका परावर्तन होता है, इस तरह चला जाता है। इसी को यदि हम वक्रता केंद्र C से ले चले तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट से चलेगा, आई जो किरण गया कहीं ना कहीं मिलेगा, जहां मिलता है वहां क्या बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो हम बताए थे कि अवतल दर्पण में सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण जो है, उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमेशा कैसा बनता है? छोटा प्रतिबिंब। और एक हमारा हो गया समतल दर्पण, समतल दर्पण में हम बताए थे, एक ट्रिक बताए थे, शशि आप, तो शशि आप क्या होता है? सा से समान, यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमारा बराबर बनता है, 5 फीट का यदि वस्तु है तो बराबर प्रतिबिंब बनेगा, इसीलिए हम कहेंगे समतल दर्पण इसमें कहता है बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा समतल, इनमें से सभी, तो सभी तो होगा नहीं, और उत्तल दर्पण तो हम जानते हैं कि छोटा प्रतिबिंब बनता वो भी नहीं होगा, और समतल दर्पण में कैसा बनता है? बराबर, तो भी नहीं होगा। कहता है बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, तो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आवर्धित बनेगा और काल्पनिक बनेगा अवतल दर्पण,
दर्पण में, तो अवतल दर्पण में दोनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, तीसरा का आंसर ए सही। चौथा सवाल है, गोलीय दर्पण में फोक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। फोक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध, तो इसमें बताना है, देखिए आर बराबर लिखा हुआ 2f, f बराबर r, f बराबर r बटे 2, 2 बटे r, अगला r बराबर 2 है, f बटे 2। तो फोक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे f बराबर हो जाएगा r बटे 2। f बराबर होगा क्या चीज, r बटे 2। तो कहीं ऐसा है f बराबर r बटे 2, नहीं, f बराबर 2 बटे r है, f बराबर 2 बटे r, इसको होना चाहिए r बटे 2। तो ही सही ऑप्शन, ऑप्शन कौन हो जाएगा सी। अब आप बोलिएगा कि ऑप्शन ए सही क्यों नहीं किए, आर बराबर जबकि 2f होता है, ठीक है, लेकिन सवाल हमसे क्या कहा है, फोक्षांतर एवं वक्रता त्रिज्या, तो फोक्षांतर को f बोलेंगे और वक्रता त्रिज्या को क्या बोलेंगे r। अब इसमें संबंध बताएंगे तो बटे क्या लगाएंगे 2, तो इसीलिए f बराबर r बटे 2 सही होगा, ना कि r बराबर 2f। हम मानते हैं और जानते भी हैं कि r का बराबर 2f होता है, लेकिन गलत हो जाएगा। यदि यही कहता सवाल कि फोकस, यही कहता सवाल कि वक्रता त्रिज्या, सबसे पहले क्या आता, वक्रता त्रिज्या और फोक्षांतर में संबंध, फोकस दूरी में संबंध, तो सबसे पहले वक्रता त्रिज्या आता, तो r लेते r, और बराबर हमारा क्या हो जाता 2f, r बराबर क्या हो जाता 2f। तो इसलिए हमारा जो सही कौन जाएगा, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सुधार किया जाएगा, f बराबर हो जाएगा r बटे 2, यही सवाल सही है। अब इसमें जो है ये गलत है। अगला है हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। अब पांचवा क्वेश्चन जो है, तो इसका जो हमारा हो गया सी सही, इस सी कब सही होगा, जब इसको आर बना देंगे, ये बटे हो जाएगा हमारा 2, तो ये हमारा हो गया आर बटे 2। अब सवाल नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, यानी उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण बार बार कह रहे, उत्तल दर्पण मतलब उठा हुआ दर्पण, तो इसका हम कलई यदि कर दें, हम इसको इस दर्पण को अगर जो बना लेते कलई कर दी अंदर की तरफ, तो हमारा उठा हुआ भाग हो गया, ये धुरपी हो गया, फोकस बिंदु एफ हो गया, वक्रता कैंसी हो गया। और यदि हम वस्तु को यहाँ रखें, ये मान लेते हैं अनंत पर है, तो अनंत पर तो कहाँ बनेगा, एफ पर, इस तरह से आएगा, इसको ऐसे ऐसे चले तो फोकस बिंदु एफ, कोई किरण ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो इसको यहाँ मिला देंगे तो फोकस बिंदु एफ पर बना, वस्तु इतना बड़ा है बहुत छोटा बना। तो कहने का मतलब है कि गोल या उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है, काल्पनिक होता है एवं आवर्धित होता है, वास्तविक एवं सीधा। तो वास्तविक तो सीधा तो होगा नहीं, ये वास्तविक भी होगा और सीधा भी होगा, तो ये कैसा में होगा, ये अवतल दर्पण में होगा। कहता है वास्तविक एवं आवर्धित, वास्तविक बनेगा आवर्धित बनेगा किसमें, अवतल दर्पण में। हम पहले बता दिए हैं कि अवतल दर्पण में वास्तविक और सीधा दोनों बनता है, वास्तविक और आवर्धित बनता है। पी और एफ के बीच रख दीजिए वस्तु को, तो ये दुगुना आकार के बनेगा, यहाँ लगभग मिलेगा, तो ये हमारा कहलाएगा दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, तो ये वास्तविक आवर्धित बनेगा किस दर्पण में, अवतल में। लेकिन सवाल कहता हमसे उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, देखिए यहाँ डॉट डॉट से बनाए हैं। और कहता है क्या छोटा बनता है, हाँ बिल्कुल बनता है, इसीलिए हम कहेंगे हमारा जो है कौन सही होगा, ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए सही, ऑप्शन ए सही, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया किस दर्पण में, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है और छोटा होता है, ऑप्शन देखकर समझिएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारा है, इसका हो जाएगा ए सही और इसका तीन से। अगला सवाल नंबर 6 सवाल है, कहता अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, ऑप्शन देखिए, कहता अभिसारी, अपसारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो नन ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो इसमें कह रहे हैं अभिसारी, तो अभिसारी नहीं कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसको कहते हैं, उत्तल दर्पण को अभिसारी, और अवतल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण, तो हमारा 6 का कौन हो जाएगा, बी सही। अब आगे बढ़िए देखते हैं, अगला सवाल हमारा है, अगला 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर देखिए थोड़ा से, सातवां नंबर जो हमारा सवाल है देखिएगा, चलिए दिख रहा होगा, 7वां नंबर सवाल दिया हुआ है कि समतल दर्पण में, 7वां नंबर जो सवाल है, चलिए अब देखिए 7वां नंबर सवाल दिख रहा होगा,
सवाल कह रहा है सातवां नंबर में कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अभी अभी हमने देखा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अब कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता कैसे ही देख लीजिए। ये हमारा मान लिया कि समतल दर्पण है, मान लीजिए कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण है तो कले नीचे की ओर कर दिए हम। अब मान लिए कि सूरज का धूप जो है 90 डिग्री पर पड़ा और 90 डिग्री पर से ही चला जाता है, तो ये तो चला गया, जिधर से उधर ही चला गया। और कोई दूसरी किरण यहाँ से, मानते हैं कि यहाँ से अनंत है, तो यहाँ से कोई यहाँ से टकराया, टकराने के बाद दर्पण बढ़ा लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ टकराने के बाद परावर्तन की क्रिया होगा, मतलब इस दिशा से आया और इधर लौट गया। यदि इसको हम काल्पनिक रूप से बढ़ा दें तो इस दिशा से ऐसे बढ़ जाएगा। अब यदि इसको हम बढ़ावे ऐसे काल्पनिक रूप से, तो दोनों क्या है, आपस में कहीं ना कहीं मिलेगा, तो जहाँ मिलेगा वही तो प्रकाशीय प्रतिबिंब कहलाता है। तो देखिएगा जितना बड़ा वस्तु था उतना बड़ा क्या बना, प्रतिबिंब बना। और इसका ऐसा बन रहा है काल्पनिक रूप से मिलाने पर बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, हमेशा कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। इसमें क्या मार देंगे टिक, काल्पनिक। हमेशा कैसा होगा, काल्पनिक होता है। क्यों, क्योंकि डॉट डॉट से मिलाते हैं। अगर जो कहता समान तो हाँ समान भी बनता है, तो वास्तविक होगा नहीं होगा, कहता है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, नहीं ऐसा संभव नहीं, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक नहीं बनता है। तो कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक इसमें, तो अवतल दर्पण में, कहता इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए अगला सवाल नंबर 8 है। 8 नंबर कहता है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु रखिए, दर्पण कौन सा ऐसा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धित बनता है। आवर्धित का मतलब बड़ा बनता है, दिखता है। तो हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से और सब प्रकार के दर्पण से, तो पहला नंबर हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा सदैव कैसा बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो ये तो होगा नहीं। अगला हमारा जो है देखिएगा, अगला कहता है समतल दर्पण, बी ऑप्शन समतल है। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब अभी अभी हमने देखा कि क्या होता है, बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, बराबर। तो ये बराबर ये भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी गलत हो गया। अगला सी ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से और सब प्रकार के दर्पण से, उत्तल दर्पण से। तो हमारा कह रहा है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बनता है किसमें, तो अवतल दर्पण से, क्योंकि जब ध्रुव पी और एफ के बीच रखते तो उधर क्या बनता है, सबसे बड़ा बनता है। चलिए सवाल नंबर 9 देखते हैं। सवाल नंबर 9 देख लीजिए एक बार। सवाल नंबर 9 चलिए सवाल नंबर 9 दिखाते हैं, 9 में दिखाते हैं कि कौन सा अब होगा। आप देखिए 9 नंबर सवाल, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। चलिए अब उम्मीद है कि 9 नंबर सवाल दिख रहा होगा आपको। अब सवाल नंबर 9, चलिए अब दिख रहा होगा सवाल 9 क्या कहता है। 9 नंबर जो है 9 ही था, नहीं सॉरी 9 तो नहीं है, इस थोड़ा सा, चलिए अब देखिएगा हमारा जो है 8 नंबर का सवाल हो चुका, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से हो गया। अब सवाल नंबर 9 कहता है जिस वस्तु को आंखों द्वारा देखा जा सकता है, जिस वस्तु को आंखों द्वारा देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो हम बताए थे जिस वस्तु को हम देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, इसमें कहता है अदीप्त वस्तुएं, स्वादीप्त वस्तुएं, इनसे सभी कहता है जिस वस्तु को आंखों द्वारा देखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे हम, दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुओं से क्या है, प्रकाश की किरणें निकलती है, उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलती उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो इनमें से सभी, अब यहां समझिएगा थोड़ा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ही गलत है। कहता जिस वस्तु को आंखों द्वारा देखा जा सकता है उसको कौन सा वस्तु कहेंगे। तो दीप्त वस्तु का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरणें निकलती है, दीप्त वस्तु होता है। तो क्या हम दीप्त वस्तु को देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो दीप्त वस्तु को भी देख सकते हैं जिससे टॉर्च, मान लिया टॉर्च को क्या हम नहीं देख सकते, हाँ देख सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। स्वादीप्त वस्तु, क्या सूरज स्वादीप्त वस्तु है, तो क्या सूरज को हम नहीं देख सकते, हाँ देख लेते हैं, तो ये भी सही है। अदीप्त वस्तु है जिनसे प्रकाश की किरणें नहीं निकलते वो भी देख सकते हैं, तो हाँ उसको भी देख सकते हैं। जैसे हमारा जो पेन है, पेन से प्रकाश की किरणें नहीं निकल रही लेकिन फिर भी इसको हम देख पा रहे हैं, तो इसको भी देख लिए हम। तो अंत में सही हमारा हो जाएगा कौन, ऑप्शन डी। ऑप्शन हमारा जो डी है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो कह रहे थे वो गलत था। तो ऑप्शन हमारा डी इनमें से सभी हो जाएगा, अनिदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु, स्वादीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, सही वस्तुओं को देख सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा सही।
सवाल नंबर 10, 10 कहता है किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरणों के समूह को कहा जाता है किरणपुंज। तो किरणों के समूह को कहते हैं किरणपुंज, ऑप्शन ए। प्रकाश तो नहीं कहेंगे, दर्पण नहीं कहेंगे। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर अब जो होगा हमारा 10 हो गया, अब 10 के बाद 11 नंबर सवाल। अब 11 नंबर सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11 जो है, 11 नंबर कहता है सवाल कि गोलीय दर्पण के ध्रुव पी और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो देखिए, हम मान लें कोई गोलीय दर्पण, मान लिया अवतल दर्पण लिए हम, इसका ध्रुव कहता है पी और फोकस ध्रुव पी, पी ने लिखा हुआ है लेकिन ध्रुव को पी कहते हैं पोल और फोकस को कहते हैं एफ। तो ध्रुव पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसके बीच दूरी होता है क्या चीज? फोकस दूरी एफ, जिसको फोकसांतर भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन है एच कहते हैं, ये गलत है। फोकसांतर कहते हैं, बिल्कुल सही हो गया। वक्रता त्रिज्या गलत है। अगला वक्रता व्यास, ये भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही। अगला सवाल नंबर 12 है, 12 सवाल कहता है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो अवतल होता है, मतलब धसा हुआ होता है, उत्तल होता है, उठा हुआ होता है, समतल होता है, माइनस कोई। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है क्या होता है? अवतल। अवतल का मतलब धसा हुआ, इस टाइप का रहेगा, और वही जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो हमारा सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होगा? अवतल। अगला सवाल नंबर 13, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, सभी होता है। तो तिरछा तो नहीं होता है, उल्टा भी नहीं होता है, तो सभी तो मारेंगे नहीं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए सही, सीधा होता है। यानी काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सदैव सीधा होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। अगला सवाल नंबर 14 कहता है हजामत बनाने के लिए, जो नाई प्रयोग करते हैं अस्तूरा वगैरह का, तो हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? समतल का, उत्तल का, अभ्योत्तल का। एक सवाल और दिखाते हैं, चलिए देखिए इसमें कहता है समतल दर्पण का उपयोग होगा, कौन सा दर्पण बताना है? तो इसमें कह रहा है हजामत बनाने के लिए, मतलब दाढ़ी को बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण नहीं, अवतल दर्पण नहीं। उत्तल में क्या होगा? दाढ़ी छोटा साइज का दिखाई देगा, कट जाएगा इधर उधर, फिर गुस्सा भी करेगा। तो इसलिए हम लोग उभयावतल, उभयावतल का मतलब होता है कुछ उत्तल कुछ अवतल, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं? दाढ़ी द्वारा हजामत के बनाने ला देखते हैं। अगला सवाल देखिए, अब 9 हो गया, 10 हो गया, 11 तक चल गए हम, अब 14 हो गया, 15 से चलते हैं। अब 15 नंबर जो सवाल कहता है, सवाल नंबर 15 दिख रहा होगा, 15 नंबर सवाल कहता है, थोड़ा सा बढ़ा जूम कर देते हैं, पंद्रह नंबर सवाल जो हमारा है, देखिए 15 नंबर सवाल है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर कहता है रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, यानी रोगी जो है, रोगी होता है उसके लिए जांच जो करता है, नाक और कान और गला की जांच करता है, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो हमारा होगा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, क्योंकि दांत वगैरह को देखना है, ऐसे करके दिखाता है दांत, तो अवतल दर्पण में बड़ा दिखता है, राक्षस जैसा दांत दिखेगा, सड़ा है कि गला है पता चल जाता है। तो हम लोग कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? डॉक्टर क्या प्रयोग करता है? डॉक्टर द्वारा जो प्रयोग किया जाना दर्पण का नाम अवतल दर्पण। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही। 16 नंबर सवाल है, सवाल 16 नंबर है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन का, यही वीवीआई क्वेश्चन है, बाकी और जो आता है ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सब है, और बाकी देख लीजिएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण? था अवतल दर्पण। सोलर कुकर क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा से, ये हमारा देखिए सोलर कुकर होता है, इस तरह से बना होता है और इसमें लगा होता है एक दर्पण, यहाँ पर जो हमारा है ऐसे रहता है, ठीक है। तो यहाँ से सूरज जो हमारा है, सन है मान लिया है, सूरज भगवान को बना लेते थोड़ा, सूरज के किरणें निकली, यहाँ से आया दर्पण के परावर्तक, दर्पण के जो है, फिर मक्खी बैठ गई, चलिए देखिए, दर्पण के परावर्तक सतह पर टकराई और यहाँ से यहाँ चलाई, ठीक है। चलिए देखिए, हमारा जो यहाँ से आया यहाँ टकरा के जमा हुआ, कोई दूसरी किरण आई यहाँ से यहाँ टकरा करके, मतलब कहा जाए तो सब किरणें एक जगह पर संयोजित हो रही है। और इसके अंदर हम दे दिए क्या चीज? चावल डाल दिए। क्या डाल दिए? चावल।
और चावल क्या है, पानी उबलेगा पक जाएगा। तो हमारा जो है इसको कहते हैं सोलर कुकर। इसके किनारे किनारे रुई वगैरह लगा रहता है, कलर काला रहता है, इसमें पूछता है भी। तो कहता है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अनंत पर तो एफ पर। तो इसीलिए हमारा जो सूरज किरण अनंत पर है इसको एफ पर लाना है, तो एक जगह जमा करना है, तो इसी का क्या होता है गर्म होता है। तो अवतल दर्पण जो है हमारा सही हो जाएगा, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। अगला सवाल नंबर 17 है, प्रकाश एक प्रकार की है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, गति है, कार्य है, इनमें से कोई नहीं है। तो सूरज प्रकाश जो है, प्रकाश कार्य तो है नहीं, गति भी नहीं है, क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका हम लोग दिनचर्या में उपयोग भी करते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सवाल नंबर 18 अंतिम सवाल है, इसको देख लीजिए। सवाल नंबर 18 है, कहता है गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है। गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या मतलब कौन, आर। ये बोल रहा है गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या मतलब आर, आर होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, तो आर बराबर जानते हुए आर बराबर kf 2f, आर बराबर 2f। तो हमारा जो है कहता है गोलीय दर्पण में वक्रता की त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है, तो फोकस दूरी के कई गुना दिख रहा है आपको, दो गुना। तो हम यहाँ हमारे खोजेंगे दुगनी होती है, तो ऑप्शन हमारा ए सही, चौगुनी, छगुनी, नौगुनी, दुगनी। तो कौन सा हो जाएगा सही, दुगुनी। इस तरह से जो आपका प्रकाश का परावर्तन का 18 क्वेश्चन था, यदि आप 18 का जवाब दे दिए हैं तो आप बहुत बेस्ट स्टूडेंट है। आपका जो है परीक्षा का एग्जाम, जब एग्जाम देने जाइएगा तो बहुत अच्छा आएगा नंबर। इसमें जो है आप इसी तरह से तैयारी कीजिए हर चैप्टर का, और हर चैप्टर का हम कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्टिव सबको जो है एक दो बार लाकर दिखा दे। आप जो अपना मेहनत करते रहिए, ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर से कहना चाहूँगा, पत्थर में एक कमी है कि, पत्थर में एक कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, पत्थर में एक कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो बदलता भी नहीं है। इसलिए आप पत्थर की भांति बनिए, बार बार बदलने वाला नहीं, मौसम की तरह बदल जाए वैसा नहीं बनिए, आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए। हम इसलिए इस बात को बोल रहे हैं क्योंकि आप विद्यार्थी हैं, मन भटकते रहता है, इसलिए आप पत्थर की तरह रहिए, कभी पिघलिए बदलिए नहीं। आप अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान दीजिए और उसके बाद अपने सफलताओं को हासिल कीजिए, और माता पिता समाज को नाम रोशन कीजिए, समाज की सेवा कीजिए, शिक्षकों का नाम कीजिए, और अपने आप को जो है ना गौरवान्वित महसूस कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।